सीएम नीतीश कुमार ने भूटान के नरेश्वर प्रधानमंत्री का जताया आभार। दरअसल नीतीश कुमार के सीएम बनने पर भूटान नरेश्वर प्रधानमंत्री ने दी थी बधाई। राज्य में ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण और सड़कों के सुरक्षित रखने के लिए परिवहन विभाग ने उठाया बड़ा कदम। 14 से अधिक चक्कों वाले ट्रक से बालू गिट्टी के परिवहन पर लगाए रोक। नियम का उल्लंघन करने पर रद्द की जाएगी वाहनों की परमिट। कैमूर में बसपा नेता विकास सिंह ने पीएम और सीएम का फूंका पुतला। इस मौके पर बसपा नेता ने नए कृषि बिल पर जताया विरोध। रोहतास में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक राहुल सिंह की हत्या के बाद अब जारी है परिजनों से मुलाकात का दौर। जनतांत्रिक विकास पार्टी के नेता अनिल कुमार ने आज सोपापुर परिजनों से की मुलाकात। भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन ने जताया विरोध। नए नियम के खिलाफ 18 दिसंबर को जिले के 0 माइल में होगी ट्रक मालिकों की महासभा। रोहतास जिले के डेहरी गांव में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास जिले के त्योड़ा में जमीनी विवाद में एक शख्स की गला रेतकर हत्या। सत्यनारायण महतो के रूप में हुई मृतक की पहचान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस।